रुको, हाथ मत लगाना रोहन को, दूर रहो इससे। रोहन प्लीज डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ना इसे, डॉक्टर अभी तक आ ही नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आने में। हम लेके चलते हैं, आपको मुझे जो कहना है आप कह लीजिएगा, बाद में जो मन मुटाव है हम सब बात कर लेंगे उसके बारे में, और जो भी आप जो कहेंगी मैं सुनूंगी, लेकिन प्लीज अभी अभी रोहन को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके ना महान बनने की कोशिश मत करो लक्ष्मी, ऑलरेडी डॉक्टर आ रहे हैं, और जब तक हम पहुंचेंगे ना हॉस्पिटल तब तक डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके होंगे, इसलिए कोशिश मत करो महान बनने की। और हाँ, आइंदा दोबारा नीलम मॉम को बीच में काटने की कोशिश मत कर रहा, समझे तुम? प्लीज डॉक्टर अभी तक आई नहीं है ना, प्लीज हम लेके चलते हैं ना डॉक्टर के पास इसे, प्लीज। रुको, हमारी ना का मतलब ना है, ये प्यार ये ममता दिखाने की कोशिश मत करो तुम। कह दिया ना तुमसे, तुम रोहन से दूर रहोगी, आसपास भी नहीं दिखोगी इसकी, समझे? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी रोहन से दूर ऐसे, और रोहन भी नहीं रह पाएगा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये भी उठेगा तो इसे चाहिए होगा कि मैं इसके पास रहूं, कि ये मुझसे पहले किसे लक्ष्मी माँ चाहिए होगी, मैं भी इसकी माँ जैसी। उसकी माँ जिंदा है लक्ष्मी, और वो हूँ मैं, तो उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, कितनी बार बोलूँ मैं तुम्हें, रोहन को अगर अपनी माँ चाहिए होगी ना तो मैं हूँ इसके पास, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वो तो अच्छा है कि नीलम मॉम ने तुम्हें खुद रोक दिया, वरना उससे पहले मैं तुम्हें बोल देती कि मेरे बेटे से दूर रहना, समझे तुम? सुना नहीं मैंने क्या कहा? उसकी माँ है और जिंदा है, और वो हूँ मैं, तुम नहीं लक्ष्मी, तुम रोहन की माँ नहीं हो। वो तुम्हें सिर्फ लक्ष्मी माँ बोलता है क्योंकि पारो बोलती है, लेकिन उससे ये सच नहीं हो जाएगा, तुम उसकी माँ नहीं हो, ना तुमने रोहन को गोद लिया है और ना इसे जन्म दिया है, और अगर इसे जन्म देती ना लक्ष्मी तो ये गंदी हरकत कभी नहीं करती, इसलिए तुम इसे अपना बेटा मानना छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, इतनी बार बोल दिया मैंने, लेकिन तब भी तुम मुझसे यही कह जा रही हो मैंने कुछ नहीं किया, रोहन के साथ जो कुछ भी है वो सिर्फ हादसा था। हादसा माय फुट, और ये भोली शक्ल बना के ना चार आंसू मत बहाओ मेरे आगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता इस सब से, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ ना वो सब कुछ सच है, एक एक वर्ड सच है, इसलिए अपने आप को रोहन की माँ बोलना बंद कर दो। इसका प्लीज, बात बेटे या बेटे की नहीं है यहाँ पे, बात है एक माँ की ममता की, उसके प्यार की, और एक माँ अपने बेटे के साथ अपने बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी।